दोस्तों आपने स्ट्रीट फूड तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको 5-स्टार होटल में मिलने वाली महंगी और अनोखी डिश जिसको सुशी बोला जाता है वो लखनऊ की चटोरी गली में खिलाने लाया हूँ, जिसे बनाती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो यूपीएससी करते करते आ गई इंडियन स्ट्रीट फूड बिजनेस में। तो आइए चलते हैं लखनऊ की चटोरी गली में, जहां वैसे तो बहुत से अनोखे और चटपटे जायके मिलते हैं और मिलती है यहां कोरियन और जापानीज डिश सुशी। तो आज हम आपको सुशी की इस पूरी मेकिंग दिखाएंगे और मैडम से भी बात करवाएंगे और आज आपको इंडियन सुशी का जायका भी खा करके बताएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं हूँ लखनऊ में। ठीक है, मैं मुस्कुरा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि कहा गया है मुस्कुराइए आप लखनऊ में। ठीक है, रात के 9 बज रहे हैं, हम लोग आए हैं खाऊ गली और ये है 1090 चौराहा के पास। बाकी क्लियर कर लेंगे वहाँ चल के। देखो मैं आया हूँ इसके लिए वी देसी विद कोरियन तड़का। ठीक है, वी देसी विद कोरियन तड़का एक बहुत ही नई चीज है, बहुत ही नया कार्ट है, जो की एक बहुत ही यू नो पैशनेट एक लेडी है वो चलाती है, लेडी नहीं है गर्ल है वो चलाती है। उनके बारे में थोड़ा कुछ मैं जानता हूँ, कुछ उनसे जानते हैं, आइए बात करते हैं और यहाँ का जायका खा करके देखते हैं। बाकी यार भीड़ बहुत है यहाँ पे। ओके, सो व्हाट्स योर नेम प्लीज? ज्योति। ज्योति, तो ज्योति आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली? मैं प्रॉपर लखनऊ से हूँ। अच्छा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर? हाँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। ओके, तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सुशी कैसे? मुझे खुद भी सुशी अच्छी लगती थी पहली चीज, और दूसरी चीज आई वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट, कि मैं अगर कुछ लेकर आऊँ तो थोड़ा डिफरेंट हो, वो कहीं भी किसी भी और स्टॉल का आपको ना मिले। तो ये तो सही बात है, क्योंकि ये अभी तक मैंने सुशी किसी स्टॉल पे तो नहीं खाई है, राइट? ऐसे चैलेंज लखनऊ तो क्या आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टॉल पे सुशी सर्व होते हुए नहीं दिखेगी। बिल्कुल सही बात है। तो इस सुशी सुशी जापानीज डिश बिम्बाप इज कोरियन। ओके, सो जापानीज डिश इस काउंटर पे, जगह का नाम क्या है? ये आप हैं 1090 चटोरी गली लखनऊ में। 1090 चटोरी गली लखनऊ। हाँ। और ये कितने टाइम से है ये गली? ये ऑलमोस्ट 4-5 years हो चुके हैं इसे। अच्छा, तो ये अभी आप सुशी बना रहे हो ना? हाँ जी। 5 o'clock इवनिंग? हाँ जी। ओके, और कब तक रहता है ये मार्केट? 11:30 मैक्स टू मैक्स 11:30। ओके, तो ये आप सुशी प्रिपरेशन ये कितने का होता है? ये 250 है, एंड दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज कि 250 में आपको कहीं भी सुशी नहीं मिलेगी। ओके, तो इसका प्राइस भी चैलेंज है और ये अपने आप में एक चैलेंज डिश है ना? एब्सोल्युटली। कार्ड पे नहीं मिलेगी? कार्ड पे कहीं नहीं मिलेगी। ओके, ये आपका ड्रीम जॉब तो नहीं होगा, राइट? कॉलिंग तो कह सकते हैं इसे, दिस हैज ऑलवेज बीन माय कॉलिंग कि मुझे फूड में कुछ करना है। अच्छा, मैंने जॉब किया हुआ है जी, दो कंपनीज में जॉब किया है, उसके बाद आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अभी इट हैज ऑल कम टू अ हॉल्ट, क्योंकि अगर ये आप कर रहे हो तो फिर आप पढ़ाई उसके साथ साथ बैलेंस करना, पढ़ाई हॉल्ट पर है थोड़े दिन के लिए जब तक ये ऑटो मोड पे नहीं जाता है प्रॉपरली। ओके, तो अभी दोबारा से हम बात करते हैं, ये क्या है? ये नोरी शीट है। और ये शीट कैसे प्रिपेयर होती है और कहाँ मिलती है? ये बेसिकली सोर्स प्रोडक्ट है, ये आप, ये मेड इन कोरिया है। तो ये आप कोरिया से ही सोर्स कर रहे हैं? नहीं, हम डायरेक्टली नहीं, इंडिया में आपको मिल जाती है हर जगह ये। अच्छा। हाँ, पर ये प्रोडक्ट बाहर का ही है, कोरिया। अगर ये अवेलेबल हो जाते तो इससे पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? मे बी आई वॉज लकी इनफ टू लॉन्च सुशी और इट वॉज मेंट टू हैपन लाइक दिस। आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट 6 months नाउ। 6 months? हाँ। और कैसा रिस्पॉन्स है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब ऐसे कई लोग आए हैं ये बोलते हुए कि इस गली में पहली बार आ रहे हैं आपका कार्ड ढूंढते हुए। सो दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अस। मैं भी पहली बार ही आया हूँ इस गली में और आपको ढूंढता हुआ आया हूँ, सच माने तो। बहुत बढ़िया, एक बातों में नहीं आना है, हमारी कोई शाखा नहीं है। हाँ, हमारी कोई शाखा नहीं है, मैं हमेशा आपको यहाँ मिलूंगी। तो अभी तो ये मार्केट में आने वाला है जैसे मुझे पता है ना, क्योंकि जब कोई आ जाता है ना तो फिर तो कंपटीशन आ गई। कॉपीड ईच एंड एवरीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द सेम टेस्ट, तो उनकी वजह से पीपल थिंक कि कोरियन फूड इन जनरल इज नॉट दैट ग्रेट। तो अभी आपने ये जो डाला है इसमें, ये पैटी क्या है? ये पनीर टेम्पुरा का पीस है। ओके, और ये क्या सॉस है? ये हमारी होममेड सॉस है। इट्स अ तंदूरी सॉस? नहीं, तंदूरी नहीं है, ये हमारी होममेड है। तो इसका क्या जायका बोलता है? इसका जायका बहुत अच्छा होता है और थोड़ा इंडियनाइज किया है हमने सुशी, क्योंकि सुशी इज अ बिट ब्लैंड इन इट्स टेस्ट। या एग्जैक्टली, तो वो स्टॉल पे आपको ऑथेंटिक सुशी उतना क्रेज नहीं मिलेगा। तो जिससे आप इसको राउंड कर रहे हो ये भी सुशी मैट है? सुशी मैट है, राइट? तो ये सब कुछ आपने पहले से मंगवा के डिसाइड करके काट लगा के? बहुत बढ़िया। और ये क्या लगाया इसके ऊपर? सेसमे ऑयल। नवाबों का शहर क्यों?
गए? क्योंकि नवाब बसते थे सबसे पहले। बसते हैं कि बसते थे? बसते हैं अभी भी। बसते हैं अभी भी हैं। क्या? और दिल से तो हर एक इंसान यहाँ नवाब है। मैं सच बताऊँ आपको, मैं जब से आया हूँ ना तब से लोग बड़ी अदब से बात कर रहे हैं, ये तो मैंने देखा है ना। नवाब ही पता नहीं लेकिन लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। ये नोरी शीट है जी, सीवीड है बेसिकली ये। ओके। इसके ऊपर जाएगा ये जापानीज शॉर्ट ग्रेन राइस। इस राइस में भी हम राइस वाइन विनेगर सेसमे ऑयल सेसमे सीड्स डाल के एक मिक्स बना लेते हैं, उसे स्टीम करके रखते हैं। ओके। ताकि चावल गर्म रहे। अभी मैंने देखा वो स्टीमर में से निकाला है। हाँ, ना हाँ, बहुत अभी अच्छे से फैलाने के बाद इसमें हम वेजीज डालेंगे। तो इस वेजी में है कैरेट है, कैप्सिकम हाँ, है। आप वेजिटेरियन है? मैं तो कतई नॉन वेजिटेरियन हूँ। हाँ, तो फिर मैं आपके लिए चिकन अच्छा चिकन सुशी भी बनाते हैं। हाँ। ओके वैसे ओके ठीक है। तो अभी इससे पहले जो आपने बनाई थी वेज थी, अब हम इसको थोड़ा सा नॉनवेज कर रहे हैं दोस्तों। देखो इसमें ये डल गया है चिकन। बहुत बढ़िया। चलिए जी अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये हमारी होममेड सॉस है, थोड़ा इंडियनाइज करेंगे इसे, टेस्ट एनहांस करने के लिए। आपने ये कौन सा सॉस डाला था? ये मस्टर्ड है, ये हनी मस्टर्ड है बेसिकली। तो ये सारी चीजें आपने ही बनाई है ना, ये बाहर से नहीं लिया आपने? सॉसेस बाहर से लिए हैं। एक जो सॉस पड़ती है जो ग्रीन वाली है वो हम खुद बनाते। क्या बात है, इसकी लेयर थोड़ी सी यू नो फिशी टाइप लगती है ना। हाँ। बहुत दोस्तों बहुत अलग चीज है सुशी। खैर बहुत लोगों ने खाई होगी पहले, बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस ऐसे हैं जो जिन्होंने सुशी खाई नहीं, सिर्फ देखी है, है ना। लकीली हम लोग वो काम कर पा रहे हैं कि स्टॉल पे लेकर आके सुशी तो एक कॉमन इंडियन इजीली आके एक्सेस कर सकता है। बहुत कम रेट है, 250 रुपीस में आपको सुशी मिल जाएगी। तो आई गेस दिस इज ट्रू ग्लोबलाइजेशन। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर मैं पूछूं दिन भर में कितनी सुशी निकलती है? कोई ऐसे कभी काउंट नहीं किया, पर अभी आप बोल रहे हैं तो ऐसे दो पैकेट होते हैं, एक में लगभग 50 होते हैं। तो 100 के आसपास हाँ, आप डेली निकाल रहे हो अभी? हाँ। बहुत बढ़िया। तो फाइनली रेडी हो गई है, उस सॉसेस के साथ में सर्व होगा। 250 रुपीज इसकी प्राइस है। हाँ, और ये हमारी वाली नॉन वेज है, चिकन सुशी। और वेज सुशी का प्राइस क्या है? 250। ओके सेम प्राइस है। हाँ, हाँ। इसके सुशी के अलावा और क्या क्या आप देते हैं यहाँ पे? राइस पेपर हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम्स है। अच्छा। ये वियतनामीज राइस पेपर है, ये भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, नॉट ऑन अ स्टॉल। ये भी आप देख सकते हैं, ये थाई कुजीन का प्रोडक्ट है, थाई प्रोडक्ट है ये भी। और ये एग्जैक्टली क्या है? ये राइस पेपर्स है। राइस पेपर है, राइस से बना हुआ है। अब इस पे आप क्या क्या करने वाले? हाँ, अभी आप देखिएगा ये। वाओ। ये फन में डालेंगे। अच्छा, ये हेल्दी है? एब्सोल्युटली। हाँ? एब्सोल्युटली हेल्दी, क्योंकि ना ही ये बेक्ड होता है ना ही फ्राइड होता है। ट्रांसपेरेंट है, दिख ही नहीं रहा। हाँ, बारे में पूछ सकते हैं कि ये हेल्दी आइटम है ना? ये हेल्दी आइटम जनरली आपको फूड स्टॉल्स पे नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको फ्राइड आइटम, तो यहाँ पर हमने ये चीज का ध्यान रखा है। ये कुछ हेल्दी निकला? ये लेटिस है जी। यहाँ पर हमने ध्यान रखा है कि अगर आप अनहेल्दी खा के थोड़ा सा गिल्ट में आ जाएं, हाँ। तो हेल्दी खा के बैलेंस आउट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये पूरी गली जो है ना हेल्दी चीजें कुछ मुझे दिखी थी, जैसे डोसा एंड ऑल राइट, बट अनहेल्दी चीजें ज्यादा है यहाँ। बहुत है। ओके, तो इट्स अ हेल्दी थिंग। ये लेटेस एक क्रंच ऐड करता है और एट द सेम टाइम इट इज हेल्दी। बहुत बढ़िया। अब ये पनीर का मिक्सचर जाएगा, इसमें वेजीज आप देख सकते हैं, कैरेट वगैरह है, कैप्सिकम है। तो दोस्तों देखो ये कैरेट है, कैप्सिकम है इसमें, और मुझे पनीर भी दिख रहा है राइट, पनीर है, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये भी एक तरीके से एक रोल हो जाएगा? हाँ, और फिर उसको डीप फ्राई किया जाएगा? नहीं नहीं, सिर्फ कट करके सर्व कर दिया जाएगा। ओके ओके। तभी मैं कहती हूँ बहुत हेल्दी आइटम है। हमारे कुछ परमानेंट कस्टमर्स हैं जो ये जरूर खाते हैं, एंड दे आर ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, वो विदाउट सॉसेस खाते हैं। जो अभी मैं बनाने वाली हूँ वो विद सॉस है। ओके। पर अगर आपको कस्टमाइज कराना है तो आप कस्टमाइज भी करा सकते हो इसे। तो अगर मैं कहूंगा मुझे ये इसमें सॉसेस नहीं चाहिए ना, तो सॉसेस नहीं भी मिलेंगी। उसके बाद आप ऐसे भी खा सकते हो, जो हमारे कस्टमर्स हैं जो जिम जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो काफ़ी ये पसंद करते हैं। हमारे पास कैबेज मोमोज भी मिलेंगे आपको, वो भी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। बाकी दोस्तों देखो यार यहाँ का जो नज़ारा है ना, मतलब अभी कुछ टाइम हो रहा है 8 बजे का, जब हम लोग एंटर हुए थे यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, रास्ते में लोग अपनी अपनी प्लेट्स लेके खड़े हैं, रास्ते में ही खा रहे हैं। बहुत सही। तो ये इस तरह से रोल होगा। बहुत बढ़िया। पानी में डिप करने के बाद ये थोड़ा सा वैसा सा हो गया। हाँ, अब ये सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ये देख सकते हो दोस्तों लेयर है ये, बहुत ही देखो किस तरह से हो गया। अभी इसको बाइंड किया जा रहा है। क्या बहुत बढ़िया।
तो ये दो यूनिक चीजें तो हैं आपके पास, राइट। इसके अलावा कैबेज मोमोज है हमारे पास, हेल्दी मोमोज जिनको बोलते हैं, असल में उनका नाम टर्किश डोलमाज है, पर अगर आप मैदे के मोमोज खा के बोर हो चुके हैं तो आप इधर आइए, आपको हेल्दी कैबेज मोमोज मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और उसको रैप किस में किया जाता है? उसको कैबेज के पत्ते में रैप करके ही, हाँ, सर्व करते हैं। ओके, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। और इसका क्या प्राइस होता है? 150। तो प्राइजेस भी आपके ज़्यादा नहीं है, है ना, जबकि आप क्योंकि अभी तो मार्केट को आप ही होल्ड कर रहे हो इन चीज़ों में, तो अच्छा खासा एक प्राइस रखा जा सकता था। बहुत बढ़िया। मुझे ना एक बात बताओ, देखो कार्ट लगा रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, घर वालों ने बोला भी होगा बेटा नहीं करना है? नहीं 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 बोला, सपोर्ट किया? आर द मोस्ट सपोर्टिव पेरेंट्स एवर, वो हर चीज पे मेहनत करते, जो करना है करो, लाइफ है, यू हैव टू फेस एवरीथिंग, हैव टू सी एवरीथिंग बाय ओन सेल्फ, किसी चीज के लिए कोई मना नहीं है, कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, शिट यार मुझे नहीं मिलेगी आधी चावल दो, बट बहुत अच्छा, अगर सपोर्टिव है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष और राजस्थान से अब मैं आ गया हूँ लखनऊ, और मुस्कुराइए आप, लखनऊ में हैं। हाँ, तो आज सुबह नहीं, एक्चुअली कल रात को हम लोग आ गए थे, आज सुबह से हम लोग शूट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने शूट किया था टुंडे कबाब, है ना, जो कि अरे बहुत बड़ी, मतलब है तो वो क्या बोलते हैं उनको, गलौटी कबाब, बट क्योंकि नाम उनका बड़ा हो गया है अब तो टुंडे कबाब बोलते हैं उनको, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लजीज, तो बेस्ट है ना, आप भी खा दो। तो अभी मैं हूँ देसी कोरियन तड़का, ये जो जगह है ना ये एक्चुअली है लखनऊ में चटोरी गली, 1090। अच्छा 1090 यानी 100 है ना, 1090 चटोरी गली। तो ये गली कब से है फूड? ये 2015। और आप कब से लगा? ये हम लोग को 6 मंथ है। और सुशी किसी ने सोचा नहीं था कि कार्ट पे मिलेगी और कार्ट पे खाएंगे, वो भी इंडिया में, वो भी लखनऊ में बैठ, क्या बात है जी। तो देखो सुशी वैसे तो बहुत तरीके की बनती है, और सुशी एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन ज्यादा बनती है, यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों तरीके से आपको मिल जाएगी। हमने नॉन वेज वाली लगाई है, आपको तो पता ही मैं कतई नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, तो ये वाली जो हमने लगवाई है ना, ये है चिकन सुशी, इसकी रंगत आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये सुशी है। अच्छा अभी वैसे तो मैम ने सब कुछ डिस्क्राइब किया था कि क्या चीज क्या है, तो ये सुशी को आप फाइनली खा करके देख लेते हैं, ठीक है, तो पहला बाइट बिना किसी सॉसेस के साथ में, लेयर का तो खुद का कोई स्वाद नहीं होता, नहीं। ये उस सुशी से बिल्कुल अलग है जो पहले मैंने खाई है, है ना, और देसी पना है क्योंकि इसमें अंदर जो सॉसेस डाली थी या फिर जो चिकन इन्होंने डाला है इंडियन स्पाइसेस के साथ है, तो राइस रोल के साथ में एक देसी आइटम देसी सुशी, बहुत बढ़िया। मतलब देखो अगर आप कुछ भी ऐसी यू नो मार्केट में आकर के हम कुछ भी खाते हैं, फॉर एग्जांपल अपना मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए, ये एक बिल्कुल नई चीज भी है, टेस्ट अच्छा कर रही है, काफी लोगों को सब बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज जो रियल में सुशी मिलती है उससे काफी अच्छी है, बहुत बिल्कुल प्लेन होती है, तो हम लोग ने थोड़ा सा इंडियनाइज किया, बहुत सही है, और इंडियन तड़का है, वो फील हो रहा है खाते ही। सबसे पहले एक बार फिर आपको रंगत दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया सुशी, हेल्दी है ना, क्योंकि इसमें कोई भी चीज ऐसी है नहीं जिससे आपको कुछ नुकसान होगा, बहुत बढ़िया है। अब एक बार डिप करके खा करके देखते हैं, सी वाओ, ठीक है, सुशी के साथ में ये प्रॉब्लम तो है, आप इसको अच्छे से तो कभी भी नहीं खा सकते, या तो पूरा खा लो या फिर अगर आपने बाइट लिया तो गिरेगी, बहुत बढ़िया। तो ये देखो ये दूसरी चीज है, इसको कॉर्न डॉग बोला जाता है ना, आपने सुना होगा हॉट डॉग जैसी एक चीज होती है, वैसे ये कॉर्न डॉग है, बाकी हॉट डॉग को तो रैप करके खाया जाता है, बट ये देखो इसकी मैं आपको एक बार हाथ से ही दिखा देता हूँ, है ना, क्या सीन है, बनावट क्या है, ये एक्चुअली किसी के साथ में डीप फ्राई किया गया है ना, और ये चिकन है, राइट, तो ये क्या है जिसके साथ में इसको डीप फ्राई किया है? नूडल्स होगा, नूडल्स, नूडल्स के साथ इसको, हाँ नूडल्स दिख भी रहे हैं आप देख सकते हो, ठीक है, क्रिस्पी करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए, लेट्स ट्राई, ये देखो इसमें चिकन सॉसेस डाला हुआ है और जो आउटर लेयर है वो मैगी की है ना, जिससे डीप फ्राई करके इसको दिया गया है, जिससे क्रिस्प इसको क्रिस्पीनेस मिल रहा है, और ये देखो इसमें जो हमें डिप मिले हैं यहाँ पर है ना सुशी के साथ में, वो ही डिप को इसके ऊपर लगा करके दिया है, जो कि बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा इसका क्या प्राइस होता है? 120 इसका है। अच्छा हाँ, कॉर्न डॉग हाँ, का 130 है, वेज हाँ, का बेसिक 120-130 और इसका 150 है, रामेन कॉर्न डॉग, चिकन रामेन कॉर्न डॉग 150। प्राइस सही है यार,
देखो जब मैं यहाँ एंटर किया था ना, एक तो ये जो बाहर सर्कल आता है जैसे अपन एंटर करते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है ना। तो दोस्तों देखो अब तीसरी चीज आ गई है ना, ये तो हमने खा लिया कॉर्न डॉग, अब ये देखो चिकन राइस पेपर रोल। चिकन राइस पेपर रोल है ये, बट ये वाला जो है ये नॉनवेज है अगेन चिकन के साथ में। और ये वाला जो पहले हमने लिया था यहाँ पर, ये था वेज, देख सकते हो बहुत ही पतली लेयर के साथ में। एक हमने आपको इसकी पूरी प्रिपरेशन दिखाई थी, सारी चीजें लगभग बहुत हेल्दी है। अगर आप आते हो चाट खाना चाहते हो तो एक चाट वाली फील के साथ में हेल्दी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नई चीज है देखो, नई चीज लोग ट्राई भी करना चाहते हो, ट्राई करते करते पिक्चर्स क्लिक करा के सोशल मीडिया पे भी डालना चाहते है ना, तो ये बहुत परफेक्ट जगह है इस चीज के लिए। मैडम बना रही है, ये भी एक तड़का है इतनी खूबसूरत होने के बाद और यूपीएससी करने के बाद काट लगा करके अपना पैशन फॉलो कर रही है, इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा मैं बताऊँ आपको, पहले मैं भी जॉब करता था, ये मेरा पैशन था तो मैं अब वो कर रहा हूँ। तो अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल। तो ये देखो, ये भी खा करके देखते हैं। दोनों सॉस के साथ खाएगा, दोनों सॉस के साथ। स्पाइसी है, वो स्वीट है। स्पाइसी है, ओके। तो ये देखो, ये मैंने ले लिया, इसके अंदर देखो लेटस है और चिकन है। तो सबसे पहले थोड़ी सी स्वीट एंड थोड़ी सी, ओके। सो सी, दिस इज माय बाइट, खा करके देखते हैं। सबवे वाला आइटम है ये तो, सबवे से बेटर है। प्राइस बेटर है, टेस्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखो, वन सुशी, टू कॉर्न डॉग, नाइस राइस पेपर रोल। राइस पेपर रोल आपने देखा था, एक पेपर निकाला था मैम ने, उसको पहले पानी में डिप किया तो वो लेयर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में उसके ऊपर सारी चीज़ें डाली गई, उसको फोल्ड रोल करके दे दिया गया। ना तो चीज़ें तली है, ये एक डीप फ्राइड चीज़ है, बड़ी होनी भी चाहिए एक चीज़ ऐसी क्रिस्पी क्रिस्पी। बाकी ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये तीनों का जो कॉम्बो है बहुत सही है, मज़ा आ रहा है खाने में और रेट्स बहुत अच्छी है। 250 फॉर सुशी, 150 फॉर दिस एंड दिस इज़ फॉर 150। बताओ, तीन लोग हैं आराम से खा सकते हैं पेट भर के। और गली बहुत अच्छी है, हैपनिंग है, बसलिंग है, मतलब यहाँ पे इतने लोग हैं हर स्टॉल पे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई स्टॉल डोमिनेट कर रही है, हर स्टॉल पे कस्टमर्स है ना, मतलब भीड़ ज़्यादा है यहाँ। भीड़ तो बहुत है ना, लखनऊ में मैंने देखा बहुत भीड़ है। हम लोग तो वो टुंडे कबाब वाला जो एरिया है ना, उधर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर भी। खैर, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैम से हमने बात की, बहुत सही रेसिपीज़ बना रही है वो। मुद्दे की बात, अगर आप लखनऊ आते हो इस फूड गली यानी चटोरी गली में एक बार जरूर आना, जो कि है 1090 चौराहा के पास, अंदर आके थोड़ा सा, ठीक है। पार्किंग का लोचा है बाहर, तो पार्किंग अगर आप फोर व्हीलर में आ रहे हो तो आपको पहले लगानी पड़ेगी, हमने भी 1 किलोमीटर पहले लगाई थी। ठीक है, अब मैं इसको लपेट के खा लेता हूँ। सो दिस इज इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन, बी हैप्पी।